हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव मोटरवर्ल्ड। तो फाइनली आज आपके सामने है यामाहा FZS वर्जन 4 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल E20 अपडेट के साथ आ चुकी है। और क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मीटर कंसोल मिल जाता है और यहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने का ऑप्शन, यहाँ पे यामाहा का लोगो मिल जाता है। और इसकी LED हेडलाइट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है पहले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED DRLs मिल जाते हैं, LED टाइप के टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, बट इसमें आपको हज़ार्ड की लाइट देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूं, फिर आपको हेडलाइट चेकआउट कराता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्लिट टाइप की आपको LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको ऊपर लो बीम और नीचे की तरफ आपको हाई बीम देखने को मिल जाती है। तो जो लाइट का विजन है दोस्तों, रात में आपको को अच्छी रोशनी प्रोवाइड करा देती है। तो यहाँ पे मैं बाइक को बंद कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं इसके नीचे की तरफ। तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पे यामाहा का स्टिकर मिल जाता है सस्पेंशन के ऊपर। यहाँ पे बाइब्रेक के कैलिपर मिल जाते हैं, 282 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS आता है। और फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो दिया गया है 180/17 का, 17 इंच के गोल्डन कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं दोस्तों इसमें। और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन आपको काफ़ी यूनिक और अच्छा देखने में लगेगा, ब्लैक कलर के साथ गोल्डन अलॉय काफ़ी जच रहे हैं। सिंगल हॉर्न दिया गया, टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन मिल दिए गए हैं 37 mm वाली। और यहाँ पे टैंक पर आपको हल्का सा क्रोम का ट्रीटमेंट और थोड़े से एयर वेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे FZS वर्जन 4.0 का स्टिकर और ब्रांडिंग मिल जाती है। टैंक आपको 13 लीटर का मिल जाता है। चलते हैं इंजन की तरफ, तो यहाँ पे यामाहा का लोगो मिल जाता है। इंजन पर ब्रेक का लीवर मिल जाता है, एडजस्टेबल फुटपैक्स, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पे इंजन और पावर की बात करें तो इसमें लगा है 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व BS6 FI इंजन। ये इंजन मैक्सिमम पावर 12.4 PS की 7,250 RPM पर और 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,500 RPM पर। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 45 की माइलेज आराम से देखने को मिल जाती है। जो गाड़ी का कर्व वेट है वो आपको 136 kg का मिल जाता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो आपको 110 से 115 की टॉप स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर मिल जाता है, इंजन काउल भी इस गाड़ी में आपको देख पाएंगे, ऑक्सीजन सेंसर, कैटलिटिक कन्वर्टर। और यहाँ पे आपको नॉन कलर वाले पैनल्स मिल जाते हैं, इसमें कलर कोटिंग नहीं की गई है। और यहाँ पर जो एग्जॉस्ट के ऊपर ये कवरिंग आप देख रहे हैं, ये फाइबर बॉडी से करी गई है दोस्तों। और टैंक पर आप चेकआउट करोगे तो यामाहा का लोगो मिल जाता है। और जो टैंक की डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। इस कलर का जो नाम है वो है मेटालिक ब्लैक। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो स्पार्कल्स वाले पार्टिकल्स देख रहे हैं, धूप में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, किरकिरी टाइप की। तो इसी कलर को मेटैलिक कलर कहते हैं, यही डल होता है तो उसको मैट कलर कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि बीच में देख सकते हैं थोड़ा डल है, ये नॉन कलर कोटिंग वाला। यहाँ पे टैंक का लॉक मिल जाता है। E20 Phase 2 OBD2 अपडेट के साथ आती है ये। यहाँ पे यामाहा की चाबी देख सकते हैं, यामाहा के लोगों के साथ चाबी मिल जाती है। मीटर कंसोल की बात करते हैं दोस्तों, तो मीटर कंसोल इसमें आपको MT15 वाला देखने को मिलता है, ब्लैक सी लॉन्ग हैंडल बार मिल जाती है। मिरर्स भी आपको काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपको अपर डिपर इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, हॉर्न का स्विच। राइट साइड की तरफ चलते हैं तो राइट साइड की तरफ रेड कलर का इंजन किल स्विच मिल जाता है और नीचे सेल्फ का स्विच मिल जाता है। चलिए सबसे पहले बाइक की आवाज़ सुन लेते हैं दोस्तों। ये है इसके इंजन की आवाज़। तो यहाँ पे आप मीटर को चेकआउट कर पा रहे होंगे दोस्तों, जो यहाँ पे मीटर आप देख पा रहे हैं ये है MT15 वाला मीटर, जो इसमें अब आपको देखने को मिल जाता है FZ में। और यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग लाइट मिल जाती है और बीच में आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं RPM मीटर मिल जाता है। बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रियल टाइम एवरेज और ओडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप भी मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है दोस्तों आपको FZS वर्जन 4 में, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाती है दोस्तों, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, यामाहा का स्टीकर मिल जाता है मीटर पर। और साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल की लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट, इंजन माल फंक्शन की लाइट देखने को मिल जाती है। बाकी और लेफ्ट साइड की तरफ चले तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर और ABS की लाइट मिल जाती है। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसा कि इसमें कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट जैसे फीचर आप देख पाएंगे।
टैंक जो है वो आपको काफ़ी बल्कि देखने में लगेगा, ऊपर से आप देख चेकआउट कर पा रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो सीट है उसकी रेड कलर की देखने को मिलती है डुअल टोन में, साइड में आपको ब्लैक कलर की पट्टी मिल जाएगी और सीट पूरी आपको रेड वाइन में दी गई है जो अच्छी लगती है। यहाँ पे सिंगल पीस में आपको ग्रैब रेल्स मिल जाता है और इसमें MT15 वाली टेल लाइट यूज़ करी गई है और LED वाले टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट मिलती है वो आपको हेलोजन में देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपकी RC नंबर प्लेट लग जाएगी। और यहाँ पे अगर चेकआउट करेंगे तो आपको पीछे 220mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट इसमें आपको पीछे ABS नहीं मिलता है। पीछे वाले टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो पीछे आपको लगभग 140/60R17 का टायर मिल जाता है, जो कि रेडियल ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जो कॉर्नरिंग या लीन वगैरह करने में आपको फिसलने की दिक्कत बहुत कम आती है। पीछे आपको निफिन के कैलिपर मिल जाते हैं और 7-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक नाइट्रॉक्स टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है मडफ्लैप के साथ। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की तरफ कंपनी फिटेड लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए साड़ी गार्ड ओपन चैनसेट कवर जो कि आपको मडफ्लैप के साथ अटैच दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड की बाइक को चेकआउट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी देखने में लगेगी। 5-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, कॉन्स्टेंट मैश के गियर आते हैं इसमें और साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर और मेन स्टैंड इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो बाइक काफ़ी अच्छी है अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो इसके टैंक की डिज़ाइन है यामाहा के लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। और मुझे इसका पर्सनली मीटर अच्छा लगता है और इसमें एक फीचर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल का। चलिए मैं साइड स्टैंड की सेफ्टी को चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि साइड स्टैंड डाउन है, मैं जैसे गियर को लगाऊंगा वैसे ही इसके गाड़ी का इंजन कट ऑफ हो जाएगा। तो सेफ्टी फीचर से काफ़ी अच्छे अब बाइकों में देने लगे हैं, लोग भी साइड स्टैंड लगा कर भूल जाते हैं और चलाने लगते हैं गाड़ी, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। तो बात करते हैं अब इस गाड़ी के प्राइस की। तो यामाहा FZS वर्जन 4 डीलक्स वेरियंट की मेटेलिक ब्लैक कलर E20 वाले मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है 1,29,636 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों 1,54,541 रुपये। और यहाँ पे आपको FZS के काफ़ी कलर्स मॉडल्स मिल जाएंगे, R15S, R15 वर्जन 4, R15M सारे मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे स्टार यामाहा आलमबाग लखनऊ में। यहाँ पे कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं तो आप शोरूम पर विज़िट करके चेकआउट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आपको अगर अपनी सिटी का प्राइस भी जानना है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।